हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए जाने से क्या क्या हुआ था। जब 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, तब इसकी बात पूरी दुनिया में चली थी। सब कह रहे थे गलत किया, लेकिन अमेरिका कह रहा था ठीक किया। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा पर और दूसरा इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। इसके बाद से आज तक हमले के लिए दोबारा परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। हिरोशिमा पर बम गिराए जाने का फैसला बम गिरने से सिर्फ 1 घंटे पहले लिया गया था। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय था। इसका वजन करीब 4000 किलो और लंबाई 10 फीट थी। इसमें यूरेनियम की मात्रा 65 किलो थी, लेकिन जो विस्फोट हुआ वह सिर्फ 0.7 ग्राम यूरेनियम की वजह से हुआ। यानी जिस पदार्थ की वजह से विस्फोट हुआ उसका वजन एक आल्पिन या डॉलर के नोट के बराबर भी नहीं था। नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैटमैन था। इसका वजन करीब 45 किलो और लंबाई 11.5 फीट थी। इसमें 6.4 किलो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, जो यूरेनियम से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। नागासाकी पर गिराया जाने वाला बम पहले जापान के कोकुरा शहर पर गिराया जाना था, लेकिन उस समय कोकुरा शहर का मौसम साफ नहीं था और बादल भी घने थे, इसलिए अमेरिकी सेना ने बम नागासाकी पर ही गिरा दिया। यही बम क्योटो शहर पर भी गिराने का प्लान था, लेकिन युद्ध के सेक्रेटरी हेनरी स्टेमन ने इसमें बदलाव किया, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर हनीमून मनाया था और उनकी कई यादें इस शहर से जुड़ी हुई थी। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसे ले जाने वाले विमान का नाम एनलो गाय था। इस विमान में साइनाइड की 12 गोलियां भी रखी गई थी, ताकि यदि मिशन फेल हो जाता है तो सारे ऑफिसर उन्हें खा लें। जिस विमान से दूसरा बम गिराया गया था उस विमान का नाम बॉक्स कार था। बम गिरने की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी के करीब 2,46,000 लोग मारे गए थे। लगभग 1,00,000 लोग तो बम गिरते ही मर गए थे और बाकी के अगले कुछ साल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से मारे गए थे। हिरोशिमा हमले के समय बम फटने वाली जगह का तापमान 3,00,000 डिग्री सेल्सियस था और उसके नीचे ज़मीन का तापमान लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो स्टील को पिघलाने के लिए काफ़ी होता है। इस हमले से 1,005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी और 10 वर्ग किलोमीटर में गहरे गड्ढे बन गए थे और 500 मीटर तक 19 टन पर स्क्वायर इंच का प्रेशर क्रिएट हुआ था। यह किसी भी विशाल बिल्डिंग को हवा में उड़ाने के लिए काफ़ी था। नागासाकी और हिरोशिमा आज रेडियो एक्टिव फ्री हैं, क्योंकि दोनों परमाणु बम जमीन से कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर हवा में फटे थे। हिरोशिमा हमले के 1 महीने बाद शहर में एक तूफान आया था, जिसकी वजह से 2,000 और लोग मारे गए थे। हिरोशिमा बम हमले में 1 दर्जन अमेरिकी भी मारे गए थे। ये बात अमेरिका को 1970 में पता चली थी। हिरोशिमा पर हमले के बाद एक पुलिस वाला नागासाकी गया था और वहाँ की पुलिस को हमले के लिए सचेत कर दिया था। इसका रिजल्ट ये रहा कि नागासाकी परमाणु बम में एक भी पुलिस वाले की मौत नहीं हुई थी। शिकेगी तनाका, जो हिरोशिमा हमले के समय 13 साल का था, उसने विस्फोट को 20 मील दूर से देखा था। परमाणु हमले से बचा हुआ यह आदमी 6 साल बाद 1951 में बॉस्टन गया था और वहाँ मैराथन भी जीता था। सुकोमो यामाची दोनों बम हमलों से पीड़ित व्यक्ति था। दरअसल हुआ ये कि जब हिरोशिमा पर बम गिरा तब वह हिरोशिमा में था और फिर वह अपने गांव नागासाकी चला गया। फिर वहां पर भी बम गिरा दिया गया, लेकिन ये इतना भाग्यशाली था कि दोनों बार बच गया। इसकी मौत 2010 में पेट के कैंसर से हुई। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने से पहले अमेरिका ने जापान पर 49 बम अभ्यास के तौर पर गिराए थे, जिसमें 400 लोगों की मौत और 1200 लोग घायल हुए थे। नागासाकी परमाणु हमले के 6 दिन बाद जापान के राजा हिरोहितो ने अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह घोषणा रेडियो पर की गई थी और ज़्यादातर जापानियों ने अपने राजा की आवाज़ पहली बार सुनी थी। अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी। अमेरिका ने आज तक परमाणु हमले के लिए जापान से माफ़ी नहीं मांगी। बराक ओबामा पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिसने हमले के 71 साल बाद हिरोशिमा की यात्रा की।
जापान ने 1964 में बम हमलों से ग्रसित व्यक्तियों के सम्मान में एक ज्वाला प्रज्वलित की जो आज तक चल रही है। यह उस दिन बुझाई जाएगी जिस दिन दुनिया से सभी परमाणु बम खत्म हो जाएंगे।